हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत मिश्रा केवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। केवी क्लासेस वेबसाइट जो लगातार आपके बीच ढेर सारी स्टडी मटेरियल्स को साझा करते आ रही है, आज हम इस कड़ी में अगस्त 2018 के पीडी करंट अफेयर्स को कवर करेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर हमारे यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे जुड़े और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट से आप जुड़ सकेंगे। तो देखते हैं आज का सेशन का पहला क्वेश्चन। राष्ट्रीय अपडेट में भारत के किस राज्य में जून 2018 में राज्यपाल शासन लगाया गया है? ये जम्मू कश्मीर राज्य है। जम्मू कश्मीर राज्य में भारतीय जनता पार्टी एवं पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की साझा सरकार ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थन वापस लेने के कारण मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पद से त्यागपत्र दिया और जिसके कारण 20 जून 2018 से वहां राज्यपाल एन वोहरा ने शासन अपने हाथ में ले लिया है। जम्मू कश्मीर में अपना पृथक संविधान है जिसमें राज्यपाल शासन का प्रावधान है। नेक्स्ट, किस भारतीय चित्रकार की पेंटिंग काली रिकॉर्ड जो 2644 करोड़ रुपए जून 2018 में बिकी थी, ये तैयब मेहता है। तैयब मेहता जो प्रसिद्ध चित्रकार तैयब मेहता की 1989 में बनाई गई पेंटिंग काली जो जून 2018 में एक नीलामी में 2644 करोड़ में बिकी। नेक्स्ट, भारत की किस महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों में रिकॉर्ड 2000 रन पूरे किए हैं? ये मिताली राज है। मिताली राज भारतीय क्रिकेट महिला क्रिकेट टीम के कैप्टन है मिताली राज, जो अपने 2000 से अधिक रन को पूरे किए हैं। नेक्स्ट, जून 2018 में बैंकॉक में आयोजित आईफा फिल्म अवार्ड में किस अभिनेत्री को मरणोपरांत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये श्रीदेवी है। श्रीदेवी, जिसे श्रीदेवी को मॉम फिल्म में अभिनय के लिए मरणोपरांत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया है। थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित आईफा फिल्म पुरस्कार समारोह में इरफान खान को हिंदी मीडियम फिल्म में अभिनय के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, भारत के किस युवा शतरंज खिलाड़ी ने भारत में सबसे कम उम्र में ग्रांड मास्टर खिताब जून 2018 में प्राप्त किया? ये आर प्रज्ञानंदा है। आर प्रज्ञानंदा जो चेन्नई में युवा शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा ने 23 जून 2018 को 12 वर्ष 10 माह तथा 13 दिन की आयु में शतरंज का ग्रांड मास्टर का खिताब प्राप्त किया। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया SJFI द्वारा 23 जून 2018 को अपने पहले SJFI मेडल से किस खिलाड़ी को सम्मानित करने की घोषणा की गई है? ये विजय अमृत राज जो भारत के पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृत राज को JFI द्वारा सितंबर 2018 में अपने वार्षिक सम्मेलन में मेडल प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में प्रदर्शन हेतु सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पॉली उमरीगर पुरस्कार लगातार 2016-17 एवं 17-18 के लिए किस क्रिकेट खिलाड़ी को जून 2018 में यह प्रदान किया गया है? ये विराट कोहली है जिसे यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अभी वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष विनोद राय हैं और ICCI के शशांक मनोहर। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय अपडेट्स में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ की किस संस्था से पृथक होने की घोषणा जून 2018 में की थी? ये संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद, जहां से ये अमेरिका ने अलग होने के बारे में बातें करी थी। अमेरिका ने 2006 में स्थापित UNO संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद से पृथक होने की घोषणा की थी। अमेरिका ने इस संस्था में 2009 में प्रवेश किया था। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि यह संस्था मानव अधिकार संरक्षण कार्यों एवं रिपोर्टिंग में भेदभाव कर रही है, जिसके कारण से अमेरिका इससे अलग थलग होना चाहती है। नेक्स्ट, तुर्की में अपनाई गई अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जून 2018 में राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं? ये राष्ट्रपति रेचप तैयब एर्डोगन जो तुर्की में जून 2018 में संपन्न राष्ट्रपति एवं संसदों के चुनाव में वर्तमान राष्ट्रपति रेचप तैयब और उनकी जो डेवलपमेंट पार्टी के नेतृत्व वाली गठबंधन लगभग 53% मत प्राप्त कर विजयी रही। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा के सितंबर 2018 से होने वाले 73वें सत्र के लिए अध्यक्ष किस महिला को जून 2018 में चुना गया है? ये मारिया फर्नाडा एस्पिनोसा है। मारिया फर्नाडा एस्पिनोसा, जिसे यह इक्वाडोर में विदेशी मंत्री को 6 जून 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 73वें सत्र के लिए अध्यक्ष चुना गया है। भारत की विजया लक्ष्मी पंडित जो महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष 1953 में चुनी गई थी। नेक्स्ट, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 18वां शिखर सम्मेलन चीन में कहां पर संपन्न हुआ?
ये किंग दाओ है, किंग दाओ जहां पे ये शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का शिखर सम्मेलन चीन में किंग दाओ में 9-10 जून 2018 को संपन्न हुआ। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था और भारत व पाकिस्तान को पिछले सम्मेलन 2017 से ही इसका पूर्ण सदस्य बनाया गया था। इस संगठन में रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान सहित कुल 8 सदस्य राष्ट्र हैं। नेक्स्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उनकी ऐतिहासिक वार्ता 12 जून 2018 को कहां पे संपन्न की गई थी? ये सिंगापुर में संपन्न की गई थी, जो 1950 से 1953 के कोरियाई युद्ध के पश्चात दोनों देशों के शासन प्रमुखों के मध्य यह पहली वार्ता है जहां पे 65 वर्षों में दोनों राष्ट्रों के मध्य तनाव बना रहा, जो इस वार्ता के बाद कम हुआ है, एवं कोरियाई प्रायद्वीपी को परमाणु हथियार मुक्त करने एवं शांति बनाए रखने पर सहमति बनाई गई है। नेक्स्ट, 7 विकसित देशों के समूह G7 की शिखर बैठक 2018 में कहां पे संपन्न हुआ था? ये कनाडा है, कनाडा, जो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, जो इस G7 के सदस्य रहे हैं, इसकी 44वीं वार्षिक बैठक कनाडा में आयोजित की गई। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र परिषद के कौन से 5 राष्ट्र नए और अस्थायी सदस्य बने हैं जो 1 जनवरी 2019 से अपना कार्यकाल को प्रारंभ करेंगे? ये 5 राष्ट्र हैं, जर्मनी, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका, डोमेनिया गणराज्य तथा इंडोनेशिया, तथा इंडोनेशिया है, जो संयुक्त राष्ट्र परिषद में 2 वर्ष, जो 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2020 तक अपने कार्यकाल के लिए और अस्थायी रूप से चुनाव जीत चुकी, चुनाव में अपना उम्मीदवारी को प्राप्त कर चुकी है। नेक्स्ट, 4 राष्ट्रों के मुंबई, भारत में आयोजित इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट में कौन विजयी रहा? ये भारत विजयी रहे इस टूर्नामेंट में, जो भारत, केन्या, चाइनीज ताइपे तथा न्यूजीलैंड की फुटबॉल टीमों के मध्य मुंबई में जून 2018 में ये आयोजित हुआ था, जिसमें भारत विजयी रहा। नेक्स्ट, टेनिस के फ्रांसीसी ओपन टूर्नामेंट में जून 2018 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ये राफेल नडाल हैं, जो स्पेन से संबंधित हैं, स्पेन के रहने वाले हैं, राफेल नडाल, इसने ये पुरस्कार को जीता है। फ्रांसीसी ओपन, जिसे रोला गेरोरा भी कहा जाता है, इसकी 2018 की उपलब्धि राफेल नडाल के नाम है। नेक्स्ट, जून 2018 में आयोजित फ्रांसीसी टेनिस ओपन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब किसने जीता? ये सिमोना हालेप है, सिमोना हालेप जो रोमानिया की है, सिमोना हालेप, ये रोमानिया की, अमेरिका की स्लोन स्टीफेंसन को हरा करके फ्रांसीसी टेनिस प्रतियोगिता का एकल खिताब जीतकर अपने नाम किया। नेक्स्ट, जून 2018 को कुआलालंपुर में आयोजित महिलाओं के T20 क्रिकेट के 7वें एशियाई कप के विजेता किस राष्ट्र की टीम रही थी? ये एशियाई की टीम रही थी, एशिया, जो महिलाओं के T20 क्रिकेट के 7वें एशियाई कप के लिए फाइनल में बांग्लादेश में भारत की टीम को हरा करके ये बांग्लादेश विजयी रही थी। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियाई आधारित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा जून 2018 में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? इसमें भारत का 163 देशों में ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का 2018 में जारी सूची में 136वां स्थान रहा है। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।